नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल बायोलॉजी का क्वेश्चन। सो मेनली ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको साइंस का पोर्शन का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके लिए बहुत खास है ये वीडियो। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। और एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो रहेगा। अगर आप आंसर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। तो उस पहला क्वेश्चन से हमारे पास में नेम द एसिड दैट फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक। ओके, ह्यूमन स्टोमक में जो डाइजेस्टिव डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एसिड है, उस एसिड का नाम बताना है। मैंने बोला कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में अपने आप को ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। HCl जो है ह्यूमन जो स्टोमक में रहता है HCl जो है, एंड इट इज द इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे स्टोमक में रहने वाला एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में हाउ मेनी प्रोटीन्स आर देयर इन ह्यूमन ब्लड। ओके, ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ओके, ब्लड में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स है, यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मेनी प्रोटीन्स आर देयर इन ह्यूमन ब्लड। तो अगर हम ह्यूमन ब्लड का बात करते हैं, देयर आर फोर प्रोटीन्स। ओके, चार प्रोटीन्स होते हैं ह्यूमन ब्लड में। कौन कौन सा प्रोटीन है, अगर मेन स्पेसिफिक प्रोटीन का बात कर रहे हैं मैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड हेमोग्लोबिन, दीज आर द प्रोटीन्स दैट फाउंड इन ब्लड। ओके, ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन्स का नाम है, ऑल दीज आर द प्रोटीन्स दैट फाउंड इन ब्लड। ओके, ब्लड में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में नेम द मसल्स दैट हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ह्यूमन आई। आँख का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है कि कौन सा मसल्स हेल्प करता है। ठीक है, आँख का अगर हमसे बात करेंगे है ना, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से पूरा बॉल नहीं होगा, उसमें बोला गया है कि मसल्स का नाम बताना है जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। इसका सही आंसर है सिलियरी मसल्स। ओके, कौन सा मसल है, सिलियरी मसल्स इज हेल्पफुल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है वो सिलियरी मसल्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में नेम द नर्व दैट हैज कनेक्शन बिटवीन आईज एंड ब्रेन। ओके, आँख और ब्रेन के साथ में एक नर्व जो है कनेक्शन करता है, क्योंकि जो आँख ने जो चीज़ देखा है उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है ना, उसको इंटरप्रेट करने के लिए ब्रेन तक मैसेज जाता है, उसको कनेक्शन कौन करता है। ओके, आँख और ब्रेन तक का जो कनेक्शन करने वाला जो नर्व है उसका नाम क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जो है जो ब्रेन से और आई का कनेक्शन है ऑप्टिक नर्व्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वेयर इज द इमेज फॉर्म इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म मतलब जो चीज़ हमको देख रहे हैं तो जाके कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिना। ओके, जो आँख होता है, आँख का जो पिछले वाला जो पर्दा होगा उसका नाम है रेटिना। जो पीछे वाला हिस्सा होगा आँख का, वहाँ पे एक पर्दा है। ओके, उसका नाम है रेटिना, एंड वहीं पे जाके कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पे जाके रेटिना में फॉर्म करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है रेटिना। एट रेटिना मीन्स रेटिना है इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन रेटिना। ओके, रेटिना में दो टाइप का सेल होते हैं, जो कि एक लाइट सेंसिटिव होता है, एक डार्क सेंसिटिव होता है। दैट मीन्स एक दिन में दिखाई देता है, दैट मीन्स दिन में एक्टिव रहता है, और दूसरा रात के टाइम में एक्टिव रहता है। दैट मीन्स उस दो टाइप का सेल का नाम बताना है। तो पहला सेल है रोड सेल, दूसरा है कॉर्न सेल। रोड सेल एंड कॉर्न सेल्स आर टू टाइप ऑफ सेल दैट फाउंड इन रेटिना। रेटिना में पाए जाने वाला दो टाइप के सेल्स है, रेड सेल एंड कॉर्न, सॉरी नॉट रेड, इट इज रोड सेल एंड कॉर्न सेल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वेयर इज ब्लड फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड कहाँ फॉर्म होता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड सेल होता है, टाइम टाइम में मरते रहता है ना, उसका डेड भी होता है, फिर फॉर्मेशन होता है। तो ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ब्लड कहाँ पे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है बोन मेरो में। ओके, रेड बोन मेरो में, बोन मेरो, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन रेड बोन मेरो। दैट मीन्स आपके पास में आंसर क्या होगा, बोन मेरो में फॉर्म होता है। बोन मेरो क्या होता है, सपोज मान लीजिए कोई एक बोन है, बोन के अंदर में जो स्पेस होता है, जहाँ पे थोड़ा सा मीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना बोन के अंदर का, बहुत लोग तो इसका रेसिपी भी, बोन मेरो का रेसिपी भी मिलता है, कि चिकन वगैरह जो गॉट वगैरह है उस सब का बोन मेरो का रेसिपी भी मिलता है। तो उसका अंदर का जो मीट है उसी को क्या बोला जाता है, बोन मेरो बोला जाता है। और बोन मेरो में ही क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल कितना दिन तक जिंदा रहता है ह्यूमन बॉडी में, या कहीं भी आरबीसी का
लाइफ स्पन कितना है, कितना दिन तक रहता है? इसका करेक्ट आंसर है 120 डेज। ओके, इसका लाइफ स्पन है 120 डेज में ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, फिर नया न्यू फॉर्म होते रहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पन ऑफ WBC? WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पन कितना है? व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पन है बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, ये वेरी करता है, एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। इट इज द 13 to 20 डेज। ओके, 13 से लेकर 20 डेज तक इसका लाइफ स्पन है, ठीक है, देन ये मर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर मिनरल्स फाउंड इन ह्यूमन बोन? ओके, बोन में कौन कौन सा मेजर मिनरल्स पाया जाता है, मेजर एलिमेंट्स पाया जाता है? ओके, दो एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स है और दूसरा कंपोजिशन भी होते हैं, लेकिन मेन दो एलिमेंट है, दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये दो दो मिनरल पाया जाता है इसमें, बोन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो दांत में होता है, इसको हम बोलते हैं टूथ इनामेल। टूथ इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन रिब केज? रिब केज में कितना बोन्स होता है? इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि हेड में कितना बोन्स होता है, हेड में क्रेनियल्स बोन्स एंड फेशियल बोन मिलाकर 22 बोन्स होते हैं। उसी तरह से रिब्स में कितने बोन होते हैं? रिब्स में जो चेस्ट में जो होता है रिब्स, उसमें कितना बोन्स होते हैं? टोटल है 22, दैट मीन्स 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, दैट मीन्स 24 बोन्स होते हैं, ठीक है। ये था इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम द टाइप्स ऑफ लेंस दैट फाउंड इन ह्यूमन आई? आंख में जो लेंस है उस लेंस का नाम बताना है, ठीक है। आंख में जो लेंस है उसका नाम बताना है, उसका नाम है मेनली हमारे जो जो कि कॉन्वेक्स लेंस जो है ह्यूमन आई में होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस सही आंसर है इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट कंट्रोल एंट्री ऑफ लाइट इन द आईज? आंख में जो लाइट का एंट्री होता है, कौन सा पार्ट, आंख का कौन सा पार्ट एंट्री को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जनरली इसका दो आंसर आपको मिलेगा, एक तो आयरिस मिल सकता है, एक पुपिल्स मिल सकता है। ओके, दोनों है इसके पास में, आयरिस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आयरिस एंड ऑब्लिक पुपिल भी हो सकता है। पुपिल जो होगा लाइट का एंट्री को कंट्रोल करने में काम आता है ये भी। ओके, अगर आपके पास पुपिल भी और आयरिस भी दोनों ऑप्शन है तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, आयरिस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड? आंख का जो आउटर कवरिंग है, जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो कवरिंग है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। आंख का आउटर कवरिंग है, इट इज कॉल्ड द स्क्लेरा। ओके, स्क्लेरा के बाद हम लोग को कॉर्निया मिलता है, सबसे आउटर लेयर है स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा के बाद ही नेक्स्ट लेयर जो होगा कॉर्निया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा क्या होगा, कॉर्निया होगा। ये क्वेश्चन हमने, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किया। ये आने वाला एग्जाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाता है। अगर साइंस का नॉलेज आप स्ट्रांग कर लेते हैं तो कुछ मार्क्स आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।